वोट का जो हक आपका मारा गया उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? वोट मेरे शहर सियालकोट की अमानत थी, नौजवान बहादुर बेटों और बहादुर बेटियां माओ बहनों का वोट था, वो वोट मेरा हक था। मेरा वोट नहीं था ना मेरा कुछ सियासी रास्ता था। जो मेरे पे जुल्म हुए, बच्चे मेरे भाग गए, घर मेरा गुलशन वीरान हो गया, तो मैं ये खतून हदीस के साथ खड़ी जुड़ी थी। मेरे दर्स होते थे, हजार बार मैंने तर्जुमे कुरान तफसीर पढ़ा, तो मैंने सोचा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ डट गए थे, तो मैं क्यों नहीं डर सकती? क्योंकि मेरा तो रास्ता सियासत ही नहीं। पर क्यों आए हो लोग, क्यों मेरी चादर उतारी गई? एक ख्वाजा आसफ ने, असन डीपीओ इकबाल जो सियालकोट में ख्वाजा आसफ का टाउट है, ख्वाजा आसफ का खास बंदा है, उसके जरिए मेरे बच्चों पर मुकदमे डालेगी। बच्चे भाग गए, गट टूट गया, माँ की इज्जत को हाथ डाला गया। जिस करब से मैं गुजरी वो मेरा खुदा जानता है। मैं जुल्म के खिलाफ डटी, मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं। वोट मेरा हाँ क्या, मैंने हर सहाफी हर इंटर चैनल वालों को बताया कि वोट मेरा नहीं, मेरा दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ एक माँ डट गई जिसके बच्चे बिखर गए, जिसकी इज्जत पर हाथ डाला गया, और इसमें 100% ख्वाजा आसफ का हाथ है और असन डीपीओ का, और जो आर ओ इकबाल है, आर ओ इकबाल और असन डीपीओ ने मिलकर डाकू को धांधली में जितवाया गया है। ये वो शहर सियालकोट की अमानत है ख्वाजा आसफ। सियालकोट में चक्कर ना लगाना, भाग जाना, चोर चोर के वोट चोर के नारे आपको लग रहे हैं। देखो मुझे इस कुर्सी से ज्यादा इज्जत पाकिस्तान के लोगों ने दी। एक माँ को, माँ के रिश्ते को समझा तो उन्होंने मुझे इज्जत दी है। मैं तमाम पाकिस्तान के बहादुर बेटों, माओ बहनों, भाई का जितने भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा पेश करती हूँ, और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आला अदलिया को मैं सलूट पेश करती हूँ। आला अदलिया मेरे लिए काफिले फखर है, उन्होंने मुझे इंसाफ दवाया। ख्वाजा आसफ ने असन इकबाल से मिलकर 10 मरले वो जो जमीन आपने डाली उस पर मुकदमा होगा और आपको अदालत में आना होगा। बताएं वो जमीन कहाँ है? माँ जी, कहा जाता है कि आपने माफिया को ललकारा है। आप मीडिया को पता होनी चाहिए जितनी दफा इन पे जुल्म हुआ इनके घर तोड़े गए। मैंने उतनी दफा ख्वाजा आसफ को ललकारा है। मैं 25 साल से ख्वाजा आसफ, 25 साल से ख्वाजा आसफ मेरे मियाँ के साथ हूँ। नहीं बनती थी, मेरे मियाँ आजाद तसीम नाजम हुए ख्वाजा आसफ को शिकस्त उस वक्त। ख्वाजा आसफ 2 दफा पहले भी इलेक्शन आ चुके हैं उस्मान डार से, सारे मीडिया को पता है, सारे लोगों को पता है। इस वक्त जुल्म के खिलाफ डटी हुई एक माँ जब घर से निकली तो शहर सियालकोट के गैरतमंद नौजवान बहादुर बेटे बेटियां माओ बहने समुन्दर की तरह, समुन्दर की तरह एक माँ के साथ हो, और ख्वाजा आसफ को इब्रना शिकस्त दी। ख्वाजा आसफ ने, आर ओ इकबाल और हसन इकबाल डीपीओ ने मिलकर तांदला डाक, मैं तो कहती हूँ ख्वाजा से शर्म करनी चाहिए, बगैर बगैर डाकू भी माँ का घर नहीं लूटता। आपने माँ को लूटा और माँ के अफवाह के वोटों पर डाका डाला। आप अफवाह के लिए मैं खड़ी, जिन लोगों ने सियालकोट ने मुझे वोट दिया, आज माँ उसी का मुकदमा लेकर घर घर हर फॉर्म पर जाएगी। इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह से अपील है कि या अल्लाह उस कुरान पर डटी थी जो आपने उतारा था, तो आप उसी कुरान को मैं मद्देनजर रख के आला इलेक्शन कमीशन से अपील है कि आप मुझे इंसाफ दें, जैसे आपने डस्का इलेक्शन में दिया था इफ्तिहार की बेटी को, ऐसे तरह माँ को भी दे।